असासी मायने होते हैं उर्दू में हेरिटेज, तो इस मतलब है कि हमारे कल्चर से और हमारी जो हमारी अम्मी बनाया करती थी हमारे लिए, जो बेबी फ्रॉक्स पर वर्क करती थी, उसको हमने दोबारा से मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो हमने कोशिश की है कि हम अपनी एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए उसको दोबारा से जो है ना लोगों के सामने प्रेजेंट करें। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी पेंडेंट है और इसकी जो बेस है वो ब्रास के अंदर है, जो कि स्वेटिंग से बिल्कुल भी काला नहीं होगा। और इसी तरीके से इस पर ये हैंड एम्ब्रॉयडेड बटन्स लगे हुए हैं जो कि और ये इयर रिंग्स, ये रिंग है और ये इयर रिंग्स। पैसे की ज़रूरत थी, हम इसलिए अपनी स्टडी के साथ ही मतलब कि इसको काम को करते रहते थे, लेकिन हालात फिर भी बेहतर नहीं थे। तो मेरी आंटी ने कहा कि इस तरह के एग्जीबिशंस भी होती हैं नेचर बाज़ार में, जो क्राफ्ट पर्सन से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, आपको वहाँ अच्छे स्कोप मिल सकता है। तब मैंने यहाँ अपनी डिज़ाइंस भेजे। हमारे पास टोटली हैंडमेड एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास, जो कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन प्रभात है, जिसमें हम लोग हर कैटेगरी के डिसेबल्स लोगों को उनके एम्पावरमेंट के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं आफ्टर उनको क्या कहते हैं स्किल्ड करने के बाद, सो दैट कि वो भी क्या कहते हैं अपनी इनकम जनरेट कर सकें और सोसाइटी में सबके साथ कंधे से कंधा मिला के ना चल सके। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो है ये पूरा टोटली क्या कहते हैं कलर है, जो कि हम फूलों से बनाते हैं। ये कलर है, अगरबत्तियाँ हैं, ये 101% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक होते हैं। आप देख सकते हैं ये हम फूलों को जो गेंदे के फूल होते हैं और रोज़ के फूल होते हैं, तो उनसे अलग अलग कलर के अलग अलग क्या कहते हैं कलर्स बनाते हैं। तो पुराने वेस्ट ऑडियो कैसेट्स होते थे, ये वो है ऑडियो कैसेट्स जिसका हमने पेन स्टैंड बनाया। प्लस नीचे हमने आप ये देख सकते हैं ये जो बेस लगाया है ये मेट्रो के अंदर जो होर्डिंग्स वगैरह होती हैं एडवर्टाइजिंग की, ये वो है। और इसके अंदर की रील का क्या, इसके अंदर की रील का हमने यूज़ करा है, जो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ऑडियो कैसेट के अंदर की रील है। सो इस तरीके से क्या कहते हैं हमने काफ़ी सारी चीज़ों को रिसाइकल करा है और अपने एनवायरनमेंट के क्लीन करने के लिए। मेरा ब्रांड है ऑफ फैशन एक्सेसरीज, हैंडमेड फैशन एक्सेसरीज एंड अपैरल। सो मैं आई बीन डूइंग दिस फॉर अबाउट फोर ईयर्स और ये दिस इज़ माई टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग फैब्रिक यूजिंग यार्न। सो दिस इज़ द USP ऑफ माई कलेक्शन। सो इसमें इससे मैं ज्वेलरी बनाती हूँ, आई मेक कुशन कवर्स, कपड़ों में भी यूज़ होता है, इयर रिंग्स में आप देख सकते हैं यू कैन यूज़, ये सारा कुछ सब बना हुआ है विद डोरी। So it's a kind of you know a sustainable technique, also recycling, because ये जो cotton dori होती है ये बाज़ार में मिलती है as a रस्सी, उसको use किया जाता है to create something which is like a fabric। और इससे मैं I make these jackets, ये मैं आपको दिखाती हूँ, these are all ये हाथ से बनाया है हर एक चीज़, इसमें कुछ भी मतलब बाज़ार का कपड़ा यूज़ नहीं करा है, ये सब डोरियों से एक एक को जोड़ के हाथ से सिला गया है टू क्रिएट द इंटायर फैब्रिक। एंड देन दीज आर डाइड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कलर्स, उनके कलर्स डाई होते हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, इसमें मैक्रमे करके एक टेक्निक होती है यूजिंग नॉटिंग, गांठ बांध बांध के। सो ये मैं बैग्स की रस्सी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ।